हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी डड्डा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आज की गवर्नमेंट जॉब के बारे में। इस वीडियो में आपको इनके बारे में डिटेल में जानकारी दी जाएगी, तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात करें पहली जॉब की, तो पहली जॉब THSTI द्वारा निकाली गई है। इसमें पोस्ट नेम की बात करें तो इसमें प्रोजेक्ट एसोसिएट की वैकेंसी निकाली गई है और इसके साथ रिसर्च एसोसिएट की वैकेंसी निकाली गई है। इसकी टोटल 10 वैकेंसी निकाली गई है और इसके लिए आपको डिग्री पास होना चाहिए या फिर PG पास होना चाहिए या फिर PhD पास होना चाहिए। सैलरी की बात करें तो इसमें आपको 31,000 रुपए की सैलरी दी जाएगी और इसके साथ आपको HRA भी दिया जाएगा। जॉब लोकेशन ऑल इंडिया है। नेक्स्ट जॉब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम द्वारा निकाली गई है। इसमें प्रोजेक्ट एसोसिएट की वैकेंसी निकाली गई है, लेबोरेटरी असिस्टेंट की वैकेंसी निकाली गई है, सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट की वैकेंसी निकाली गई है। इनकी टोटल 57 वैकेंसी निकाली गई है और इसके लिए आपको PG या फिर डिग्री पास होना चाहिए रिलेवेंट डिस्ट्रिक्ट में। इसके लिए आपको PG या फिर डिग्री पास होना चाहिए और इसमें आपको 25,000 रुपए सैलरी दी जाएगी और इसकी जॉब लोकेशन ऑल इंडिया है। नेक्स्ट जॉब साउथ सेंट्रल रेलवे द्वारा निकाली गई है। इसमें हॉस्पिटल असिस्टेंट की वैकेंसी निकाली गई है और इसकी टोटल 20 वैकेंसी निकाली गई है। इसके लिए आपको ITI पास होना चाहिए। सैलरी इसमें आपको 18,000 रुपए पर मंथ की दी जाएगी और इस जॉब की जॉब लोकेशन ऑल इंडिया है। अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे द्वारा वैकेंसी निकाली गई है। इसमें अप्रेंटिस की वैकेंसी निकाली गई है और इसकी टोटल 465 वैकेंसी निकाली गई है। इसके लिए आपको रिलेटेड ट्रेड में ITI पास होना चाहिए और इसमें सैलरी आपको स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से दी जाएगी और इसकी जॉब लोकेशन ऑल इंडिया है। इसके बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट जॉब छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा निकाली गई है। इसमें कैजुअल्टी मेडिकल ऑफिसर और GDMO की वैकेंसी निकाली गई है। इसकी टोटल 33 वैकेंसी निकाली गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसके लिए आपको MBBS पास होना चाहिए। सैलरी की बात करें तो इसमें आपका पे मैट्रिक्स लेवल 13 होगा और इसकी जॉब लोकेशन छत्तीसगढ़ है। डिटेल में जानकारी के लिए आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा NHM पंजाब द्वारा सीनियर कंसल्टेंट की वैकेंसी निकाली गई है। इसकी टोटल 12 वैकेंसी निकाली गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसके लिए आपको MBBS PG पास होना चाहिए। इसमें आपका पे मैट्रिक्स लेवल 13 होगा और इसकी जॉब लोकेशन पंजाब है। तो अगर आप इन सभी के बारे में डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो आप इनके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं और कमेंट बॉक्स में पिन किए गए हैं। इसके साथ ही अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।